Hey, hi, welcome back to FSA Entertainment. पुना गुड फार्म पे हूँ मैं वे ताकिब भाई. हमने पुना अस्सलामुअलैकुम आकिब भाई, पुना गुड फार्म की बकरियाँ तो देख ली है हमने. अब आकिब भाई का जो पर्सनल पलाई का बकरा है यहाँ पर वो बताएंगे. आकिब भाई एक सवाल है, आपका खुद का फार्म है राइट? सो व्हाई हियर, व्हाई डू यू कीप हियर? एक्चुअली वो लास्ट ईयर से अंडर रिनोवेशन था और बंदा भी नहीं था मेरे पास. तो उसके लिए मेरे कुछ 8 बकरे यहाँ पे थे पलाई पे लास्ट ईयर, और इस साल भी 3 बकरे यहाँ पे है जो बड़े बकरे थे. तो फिर मैं यहाँ पे उनको पला रहा हूँ. फार्म पे है 4-5 बकरे हैं छोटे हैं जो अगले साल के लिए रखे हैं. वो फार्म पे पलाई के लिए बकरे आए नहीं रहे क्या? नहीं, बंदा नहीं था मेरे पास बीच में, लॉकडाउन के बाद जो चला गया था आया नहीं था. अभी वो आने वाला है. वही जगह है जहाँ पे सेम लोकेशन सेम. हैव यू बॉट इट? या वो रेंट पे है? नहीं, रेंट पे ही है. रेंट पे ही है. लंबा हो गया ना, 3 साल हो गया मेरे ख्याल से. 5 साल हो गए. 5 साल हो गए वहाँ पे. 16 में लिया था मैंने. सो यू हैव नो प्लान्स? क्योंकि ऐसे लगता है कि ये गिवन आप खुद अपने बकरे दूसरे के पास पाल रहे हो. मैं एक्चुअली बर्ड ब्रीडिंग भी कर रहा हूँ वहाँ पे. अच्छा, वो भी एक शौक है तो वो भी चल रहा है. ओके 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 ओके, ठीक है. चलिए, पहला बकरा जो है आपका, ये आपने बेचने के लिए निकाला. लास्ट टाइम थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, आपका बकरा बिक नहीं रहा था बहुत. व्हाट रियली हैपेंड लास्ट में, बिका कि नहीं? फिर बिका बकरीद के बाद. आपकी रेट भी माशाल्लाह थी ना. हाँ, बट फिर मैंने रेट छोड़ के ही देना पड़ा आखिर में. ठीक है, ये जो है, ये बकरी के बारे में बताएं जी. कोटा है क्या? कोटा है, 8 दांत कर चुका है. इसका वेट अभी 62-63 केजी है. okay. 37 हाइट है इसकी एग्जैक्ट. 38 भी हो सकती है, 37 है इसकी हाइट. और सिंग घस दिया है ना, सिंग थोड़ी बहुत, थोड़ी सी घस है, घस दिया उसने सिंग. ठीक है, बहुत गर्म है माशाल्लाह बकरा. ओके, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल, देखिए थोड़ा पैर ऐसे लगता है लचका, पर समझ नहीं आ रही है वो. ठीक है, आप देख लीजिए आके जिसको समझता है. हाँ, पीछे के लेफ्ट पैर में हल्का सा मुझे लचक लग रही है. और कितने किलो पे है आपने कराया? 62-63. एंड कितना मांग रहे हो आप उसका? सर 35,000 मांग रहे हैं हम लोग. 35,000 रुपीस, और ये नेगोशिएबल है प्राइस? लिटिल बिट. ठीक है, पोटेंशियल है इसमें अगर पैर में अगर थोड़ी दिक्कत हुई तो? नहीं, इतना नहीं, मेरे ख्याल में 70-75 के अप्रोक्स जा सकता है, उतनी उसमें पोटेंशियल है. ओके ओके, क्या क्या है यानी पैर में जो है वो कैसी है? मुझे लग रहा है कि लचक आ गई है, इतने दिन से थी नहीं. वो बहुत गर्म है, वो एक गाले से दूसरे गाले में छलांग लगा था, उसके वजह से हुआ होगा प्रॉबेबली. जिसको किसी को भी खरीदना है आके लीजिए यहाँ पे. हाँ बिल्कुल, पुना गोल्ड फार्म पे आके लीजिए. 35,000 यू आर आस्किंग फॉर 62-63 वो हिसाब से तो ठीक है. बच्चे बहुत है यहाँ पे. और नाम वाम कुछ डालू इसका क्या? कोई नहीं, जो है उसी से. डाल आपके हिसाब से. ठीक है, ये बार उतारने वाला इरादा है आपको बकरे जो आप मंडी में उतारते हो हर बार? हाँ, मैं हम लोग की गाड़ी का चल रहा है ना. हाँ, 100 बकरे इंशाल्लाह हम लोग उतारने वाले हैं. लास्ट टाइम आपके खस्सी बकरे भी थे यहाँ पे? हाँ, खस्सी थे अल्हम्दुलिल्लाह. वो तो वीडियो जैसे आया उसके नेक्स्ट डे बॉम्बे चले भी गए. अपने सब्सक्राइबर्स ने लिए खसी बकरे के माशाल्लाह. मतलब जिस दिन वीडियो आया उसके नेक्स्ट डे मैंने आपके भाई अंडुल बेचने में इतनी दिक्कत क्यों आ जाती है? आपकी खरीदी महंगी पड़ जाती है? एक्चुअली खरीदी महंगी, हम लोग क्या है ना, थोड़ा शौक के हिसाब से बकरा ऐसे ही लेंगे वैसे ही लेंगे, वो चक्कर में ले लेते हैं और फिर रेट उसका हमको ही ज्यादा पड़ता है, तो बेचेंगे क्या रेट में. फिर भी हम लोग ने लास्ट ईयर जो बकरा मेरा रुक गया था उसको हम लोग ने परचेज जो रेट में किया था वही रेट में दिया. शौक करके कोई बेच के कमा नहीं सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल. लोगों को लगता है एक जमाना था व्हेन यू यूज्ड टू कीप गोट्स एट वो जो ऊपर, आई डोंट नो व्हाट इज दैट एरिया कॉल्ड, वो जो पहाड़ पे हम फार्म पे बनाए थे, तब शिवापुर में आपके जो बकरे थे बहुत फटाफट बिक रहे थे, वो फट सोल्ड आउट डाल रहे थे यार, क्योंकि आपकी रेट थी. मेरे ख्याल में खरीदारी में आपने क्या कर दिया इतना? भाई भाई एक्सपेंसिव वो थोड़ा शौक के चक्कर में हम लोग ने क्या किया, बकरा ऐसे ही खरीदेंगे वैसे ही खरीदेंगे, इससे ही लेंगे उससे ही लेंगे, तो एक्सपेंस बहुत ज्यादा चले जा रहा. हाउ इज द मार्केट इन पुणे दिस टाइम, क्या लगता है आपको? अभी 2 साल से तो बहुत कम था कोरोना के वजह से, अभी इस साल लग रहा है कि जाएगा. पिछले साल हम लोग ने 66 बकरे बेचे फार्म से ही, पिछले साल 66 बकरे बेचे अल्हम्दुलिल्लाह. तो इस साल 100 बकरों का हम लोग ने सोचा हुआ है, खस्सी बकरे सारे एवरेज वेट वाले जो कि हर कोई परचेस कर सके, रेट भी उसका इंशाल्लाह कम रहेगा. बट ये बार मैं प्रॉब्ली आई हैव नॉट विजिटेड पूना, हर जगह घर घर गया नहीं, बट वो पिछले जैसा वो नहीं रहा कि बहुत सारे लोग पाल रहे थे बकरे, हर जगह भराई के बकरे थे. है इस साल भी, पर वो भराई का मुझे, मैंने तो पर्सनली कहीं देखा नहीं अभी भराई का. अभी मुझे क्वेश्चन आया था कौन सा बकरा है भराई का सबसे बड़ा बताओ, मैंने तो पर्सनली नहीं देखा. सफदर भाई ने तो अभी तक के बताया नहीं मुझे. होगा तो सफदर भाई का ही होगा, सफदर भाई के पास ही होगा.
थोड़ा एंड में रिवील करते हैं वो, एंड में रिवील करते हैं। लेकिन और भी लोग हैं जहाँ पे आप लेके जाते थे, राइट? हाँ, उन लोग के कुछ है बकरे, बट फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट विजिट में हम लोग वो कवर करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, चलिए। ये है कोटा बकरा, 8 दांत पे है, तकरीबन 60 किलो है अभी वजन, 62 केजी एग्जैक्टली है। ठीक है, एंड यूर आस्किंग 35,000 डिलीवरी करवा दोगे कहीं? ठीक है, पैर में अभी फिलहाल हल्की सी लचक बता रहे हैं, इट्स क्योरेबल, नॉट अ बिग डील, कोई भी आके देख, बट आके देख लीजिए आप। ठीक है, नंबर क्या है आपका आकिब भाई? 888-888-3053 888-888-3053 थैंक यू सो मच, थैंक यू। खेलिए थोड़ा, आपके पास बहुत एग्रेसिव बकरा है, वहाँ बाहर लेके जाके खेलते हैं ना, यहाँ तो बच्चे लोग लेस खा जाएंगे अपने। झालर वालर बहुत अच्छी ले गया है माशाल्लाह, इसे वेट नहीं लिया उसने, एक्चुअली फीडिंग भी काफी अच्छी चल रही है उसकी, खा रहा है बट वेट उतना ले नहीं रहा है। मेरे को भी लगा था कि अप्रॉक्स 75 अभी तक जाना चाहिए था। आया था कितने महीने पहले यहाँ पे? ये मेरे घर में आया था लास्ट ईयर, आया था ये। ये लास्ट ईयर से है? लास्ट ईयर मतलब ये दिसंबर, दिसंबर में, नवंबर में आया था, नवंबर, मैंने नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, चार महीने कंप्लीट हो गए। 56 केजी पे आया था तो स्लो वेट गेन कर रहा है, चार महीने में बकरे भी मेरे आए हैं यहाँ पे और वो अच्छे हैं माशाल्लाह। हाँ, 20-20 किलो गेन कर लिए। ओके ओके, ये बकरा ही नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए, जिस किसी को भी लेना है doesn't mean क्या नहीं करेगा। हाँ, नहीं कर, 70 केजी का जहाँ पे भी सेट हो जाएगा वहाँ पे शायद कर भी ले बकरा, लेकिन बहुत खूबसूरत है, लेंथ अच्छी है बकरे में, हाई थोड़ी काफी से बट लेंथ काफी अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट। चलिए, वंस अगेन एनीबॉडी वांट्स गेट इन टच विद आकिब भाई, थैंक यू सो मच आकिब भाई।